नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं NIOS क्लास 12th की पेंटिंग का न्यू सिलेबस का सैंपल पेपर, जो कि हिंदी मीडियम और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं आपको दिखाने वाला हूं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किन किन चैप्टर से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। और एक वीडियो मैंने आपको पहले अपलोड करी थी जिसमें मैंने पेंटिंग का न्यू वाला और ओल्ड वाला दोनों सिलेबस डिस्कस करे थे। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ऊपर सजेशन में भी दिखा रहा होगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम में, क्योंकि देखो वेबसाइट पर जो है अभी तक हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। हमने जो है अभी सॉल्व करके हिंदी मीडियम में बना के जस्ट अभी वीडियो में डालने जा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसका हिंदी मीडियम का पीडीएफ जो है हमसे परचेस कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो टोटल 26 क्वेश्चन है इसमें, 26 प्रश्न है, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन जो है अनिवार्य है, सारे क्वेश्चन करना जरूरी है आपको। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस के आगे आपको मार्क्स दिए हुए मिलेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाला है इसका आंसर जो है आपको लास्ट में मिलेगा, इनके आंसर आपको साथ के साथ क्वेश्चंस के जस्ट नीचे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न है, यानी MCQ जो है आपको 1 से लेकर 8 तक जो MCQ दे रखे हैं। उसके बाद 9 से 14 तक जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है पैसेज वाले, और बी पार्ट में भी 15 से 20 तक के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन सी आपका आ जाएगा, सेक्शन सी में जो है आपके 21 से 26 तक क्वेश्चन है, जिसमें 21 से 23 तक वेरी शॉर्ट आंसर है, ठीक है, जिनका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। उसके बाद 24 वाला शॉर्ट आंसर है जो कि 70 से 80 मार्क्स में लिखना है। उसके बाद 25 और 26 जो है वो लॉन्ग आंसर है, जिनको आपको 90 से 100 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि 10 लाइन तक का आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं MCQ से। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न के नीचे सही उत्तर चुने, ठीक है। अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला बोला है वेयर आर अल्तमीरा केव्स लोकेटेड, तो इसका आंसर है स्पेन, ठीक है। स्पेन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हिंदी में भी लिखा हुआ है। चंबा शैली कहाँ विकसित हुई, वेयर डिड चंबा स्कूल फ्लोरिश, तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश पे हो रखा है, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में जो है चॉइस दे रखी है आपको, और लगा हुआ है, जहां पे आपको और दिखेगा तो आपको ये समझ जाना है उसमें चॉइस है। आपको दोनों में से कोई एक पार्ट करना है, ए पार्ट या फिर बी पार्ट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, चाहे आप सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट कर लें या फिर बी पार्ट कर लें। तो यहाँ पे अब हम एक बार बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट में बोला हुआ है वर्षा कांगड़ा शैली चित्रकला का माध्यम क्या है, एक वर्षा पेंटिंग का नाम है, उसी का पूछा हुआ है कि कौन से स्टाइल में है, तो आपको बताना है। तो इसका है अपारदर्शी जल रंग लघु, ठीक है, ओपेक्यो वाटर कलर लघु चित्रकला, ठीक है, ये लघु चित्रकला है। उसके बाद थर्ड बोला है अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी MCQ है ये सारे आपको कर लेना, और कुछ MCQs जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा चैनल वाइज चैप्टर वाइज, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। इसके बाद फोर्थ आ जाता है आपका, फोर्थ में आप देखोगे इसमें भी आपको चॉइस मिल रखी है, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों में से जो आपको आता हो वो कर सकते हो। चूज़ द राइट डिस्क्रिप्शन फॉर द वर्ड मुराल, भित्ति चित्र शब्द के लिए सही विवरण चुने, तो इसके लिए क्या है, दीवार पर बनाया गया चित्र अथवा पट या फलक पर बनाकर दीवार पर स्थायी रूप से जोड़ा गया चित्र, ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट भी आ जाता है, भित्ति चित्रकला का एक प्रसिद्ध माध्यम है, ठीक है, डैश का प्रसिद्ध माध्यम, सॉरी प्रसिद्ध माध्यम डैश है, तो टेम्परा आएगा इसका, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिफ्थ है कला का इतिहास और उसके विकास के लिए सही विवरण चुने,
ठीक है, चूज द राइट डिस्क्रिप्शन फॉर हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड इट्स डेवलपमेंट, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, छठे पे चलते हैं। छठा जो है इसमें आपको चॉइस दे रखी है, इसमें भी ए और बी में, अजंता के चैत्य ग्रहों के लिए सही विवरण तो चुने, तो इसके लिए है वह स्थान जहां धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं, तो ये एक एमसीक्यू में है। ठीक है, आप ये चैप्टर जब खोलेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं, एक जिसमें से चैत्य है और एक जिसका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है, और दूसरा जो है विहाराज है, तो वो आपको याद रखना है। तो चैत्य क्या होते हैं, विहाराज क्या होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे चैत्य का पूछा हुआ, क्या पता वहाँ पे विहाराज का पूछ ले। बैलों की लड़ाई को चित्रित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक और प्रयुक्त सतह चुने, तो इसके लिए आपका टेम्परा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन नेचुरल कलर ऑन मड प्लास्टर। आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ आ जाता है, इसमें भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी सेवेंथ वाले में। चूज द ऑप्शन टू रिलेट द फॉक एंड ट्राइबल आर्ट, लोक और जनजातीय कला और इसकी प्रक्रिया से संबंधित विकल्प चुने, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। इसके बाद हम एट, इसका बी पार्ट जो है वो देख लेते हैं। बी पार्ट में बोला हुआ है वारली चित्र और इसकी विशिष्टता में से सबसे अच्छी तरह संबंधित होने के लिए उपयोग किए जाने वाले कथन चुने, आपको वारली चित्र जो है उसे विशिष्ट, जो सबसे अच्छे से संबंधित हो, मतलब उसे रिलेट कर रहा हो सबसे अच्छे से, वो पूछा गया है, तो इसके लिए आप लिखोगे वह यह धर्म की तुलना में मानव और प्रकृति का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एंड नेचर देन रिलीजन। इसके बाद एट आ जाता है आपका और सेक्शन ए आपका खत्म हो जाएगा, खंड ए अ खत्म हो जाएगा। पिथोरा पेंटिंग में संबंधित, सॉरी, पिथोरा पेंटिंग से संबंधित विकल्प चुने, तो भील और राठवा समुदाय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, तब आपका सेक्शन ए खत्म होता है, सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश ये आपके चैप्टर में से ही है, आपको ये रीड करना है और रीड करने के बाद जो है आपको इसके आंसर देने, नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ, वन वर्ड वन मार्क्स के हैं, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पहला आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आपको चॉइस दे रखी है, 9A में पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, जो महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी में वो कौन कौन से हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, पूछा हुआ है आपसे कौन से इंपॉर्टेंट साइट है, कौन सी इंपॉर्टेंट जगह है। उसके बाद बी पार्ट में बोला हुआ है डैश मिट्टी के बर्तन कब्रिस्तानों में पाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दफन मिट्टी के बर्तन। ठीक है, उसके बाद टेंथ आ जाता है, अजंता कलाकारों ने डैश तकनीक में उत्कृष्टता हासिल की, तो अजंता के कलाकारों ने टेम्परा। ठीक है, इसमें भी आपको टेंथ में जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बी पार्ट में इसके बोला हुआ है अजंता की पद्म पाणी बोधित्व डैश के उदरत्व में चित्रित है, तो ये क्या है, दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी ईस्वी। ठीक है, सेकेंड सेंचुरी टू सिक्स्थ सेंचुरी। इसके आगे इलेवेंथ में भी आपको चॉइस देखने को मिल जाती है, इलेवेंथ में बोला हुआ डैश कला को कागज पर जीवंत और बोल्ड रंगों से चित्रित किया जाता है, तो कालीघाट आएगा इसका, कालीघाट कला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट आ जाता है अजंता की दीवार भित्ति चित्रों में डैश वर्णक का उपयोग किया गया है, तो प्राकृतिक वर्णक यानी नेचुरल स्टाइल। ठीक, इसके बाद आपका पैसेज टू आ जाता है, पैसेज टू आपको यहाँ पे दे रखा है नीचे, सॉरी एक रह रहा है अभी, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 रह गया। अब ए इसमें भी चॉइस दे रखी है आपको, ए डैश सॉरी कालीघाट पेंटिंग में प्रयुक्त माध्यम डैश है, तो जल रंग यानी वाटर कलर का इस्तेमाल होता है इसमें। उसके बाद कलमकारी फारसी शब्द कलम और कारी से लिया गया है। उसके बाद 14th क्वेश्चन हो जाता है आपका, डैश शैली कलमकारी कार्य में ब्लॉक विधि का उपयोग करती है, तो मछलीपट्टनम इसका आंसर है। इसके बाद गद्यांश
टू आपका आ जाता है, गद्यांश टू आपको पढ़ना है और इसी में से आपको आंसर ढूंढने हैं। तो देखो पास होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पेपर बहुत ही इजी आने वाला है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको पेंटिंग के लिए, बड़े ही आराम से आप जो है पास हो जाएंगे। इसके बाद आपका 15th क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, इसके में भी ए पार्ट आपका दे रखा है, भारतीय कला का कालखंड क्या है हजारों वर्षों का, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसके बाद बी पार्ट आ जाता है, इसमें चॉइस दे रखी थी आपको, तो भारतीय कला क्या दर्शाती है, सांस्कृतिक धार्मिक और ऐतिहासिक विकास दर्शाती है भारतीय कला। इसके बाद 16th क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिच्छेद में उल्लेखित भारतीय कला में के प्रमुख रूप क्या है, तो मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, वस्त्र और शिल्प, ठीक। उसके 7th में पूछा, किस प्राचीन सभ्यता ने भारतीय कला की जड़ों में योगदान दिया, विच एंशियंट सिविलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रूट्स ऑफ इंडियन आर्ट, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपका आ जाता है, भारतीय मूर्तिकला के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण क्या है, तो कुछ मूर्तिकला के उदाहरण पूछे गए हैं किसके, इंडियन स्कल्पचर्स के, तो आपको यहाँ पे बता रखा है खजुराहो के मंदिर, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है उसके। उसके बाद 19th में पूछा हुआ है, प्रतिच्छेद में भारतीय चित्रकला की किन शैलियों की चर्चा की गई है, व्हाट आर द सम स्टाइल्स ऑफ इंडियन पेंटिंग डिस्कस्ड इन द पैसेज, ठीक है, जो ऊपर गद्यांश है उसमें जो चर्चा की गई है उनके पूछे गए, तो लघु चित्रकला, मैसूर चित्रकला और पहाड़ी शैली, तो इनका इसमें ऊपर जो है वर्णन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 में आपको चॉइस देखने को मिल जाती है, भारतीय वास्तुकला किस लिए जानी जाती है, तो भव्यता और विविधता के लिए जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में मनाए जाने वाले कुछ पारंपरिक शिल्पों के नाम बताइए, तो कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी का काम, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। तो सबसे पहले पूछा हुआ है, पंचरक्षा तारा लघु चित्र के बारे में लिखिए, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट अबाउट द पंचाक्षरा तारा मिनिएचर, तो इसके बारे में आपको इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा होगा, हिंदी के, सॉरी हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा होगा, इंग्लिश के आंसर कहाँ मिलेंगे मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, फिलहाल अभी आप हिंदी मीडियम का देखते हुए चलिएगा, इंग्लिश मीडियम के आंसर जो है आपको यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 21 का आंसर, 22 का आंसर, 23 का आंसर। 23 में 2 ऑप्शन है, ए और बी, तो ये ए का आंसर है, ये बी का आंसर है। उसके बाद 24 में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 24 का आंसर ये रहा, 24 बी का आंसर ये रहा। उसके बाद लॉन्ग आंसर आ जाएगा, 25 का आंसर ये रहा और 25 बी का आंसर ये रहा। उसके बाद 26 क्वेश्चन और 26 ए और 26 बी, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपको दे रखा है। तो वापस से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, कांगड़ा शैली की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कांगड़ा स्टाइल, तो उसको भी यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आपका 23 में ए और बी 2 ऑप्शन है, पहले ए ऑप्शन का आंसर देखेंगे हम, फिर बी का देखेंगे। इसमें प्रयुक्त विषय को समझाने के लिए कंपनी स्कूल पेंटिंग के लिए एक उदाहरण का उपयोग करें, ठीक है, यूज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी स्कूल टू एक्सप्लेन द थीम यूज इन इट, या फिर आप इसमें से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन द कंपनी स्कूल्स डेवलपमेंट। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, पहले आपको ये दिख गया होगा 4 लाइन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका, कंपनी स्कूल के विकास की व्याख्या करें, ठीक है, ये यहाँ पे इस लाइन को काट देते हैं, ये लाइन नीचे आनी थी, लिखते टाइम ऊपर की तरफ आ गई है, ठीक है, यहाँ नहीं है, चलिए तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। इसके बाद 24 ए की बात करते हैं, जो जहाँ से आपके शॉर्ट आंसर शुरू हो जाते हैं, बाजार का दृश्य पेंटिंग के बारे में लिखे, 4 मार्क्स का ये आंसर है आपका, राइट अबाउट द मार्केट सीन पेंटिंग, ठीक है, अब इसमें चॉइस दे रखी है आपको। नेक्स्ट जो है इसका बी पार्ट आ जाता है आपका, बी पार्ट में बोला है, राइट अ ब्रीफ अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न सीन ऑन इंडस वैली पोट्री, सिंधु घाटी मिट्टी के बर्तनों पर देखे गए विभिन्न प्रकार के पैटर्न के बारे में संक्षेप में लिखे, ठीक है,
शोर मत करो यार। इसके बाद आपका 25 क्वेश्चन आ जाता है, अजंता ए, इसमें भी आपको चॉइस दे रखा है। ए पार्ट है अजंता और उत्तर अजंता के चित्रों का उदाहरण सहित वर्णन करें, ठीक है। अजंता एंड पोस्ट अजंता को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है विद एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिल रहा होगा। लॉन्ग आंसर है तो लंबा जाएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी टाइप की। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, पीडीएफ परचेज नहीं कर सकते हो, और पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है ये कहीं ना कहीं, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका बी पार्ट आ जाता है, 25 का बी पार्ट, भारत में आधुनिक समकालीन कला के विकास की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट आंसर जो है क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 26 वो आ जाता है, भारतीय कलाकारों जैम सॉरी भारतीय कलाकार जमिनी राय को की कोई पेंटिंग ले और उनकी कलात्मक शैली समझाइए। टेक एनी पेंटिंग ऑफ बाय इंडियन आर्टिस्ट जामिनी रॉय एंड एक्सप्लेन द आर्टिस्टिक स्टाइल। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर दिख रहा होगा। तो ऐसे किसी भी आर्टिस्ट के बारे में बोल सकते हैं, तो आपको उन आर्टिस्ट की एक पेंटिंग और उनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद और जो भी इम्पोर्टेंट नाम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। जो भी आर्टिस्ट के मैंने नाम बताया उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना, और उनकी पेंटिंग के बारे में आपको पढ़ लेना है। क्या बी पार्ट आ जाता है आपको इसका, पश्चिमी कला के बारे में लिखे, डिस्क्राइब अबाउट वेस्टर्न आर्ट। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, और इसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, इस वजह से हिंदी मीडियम में लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके लिए जितना जल्दी हो सके उतने सारे सब्जेक्ट के हम सिलेबस कंप्लीट करवाएं, आपके लिए इस टाइप के सैंपल पेपर वाले सॉल्यूशन लेकर आएं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।